जी सर, मेरा नाम विनोद कुमार सिंह, मैं झारखंड से हूँ। मेरे शरीर में बहुत सारे रैसेस थे, पीठ वगैरह में और हाथ में, चेहरे पे, सर पे। तो मैं वहाँ पे होम्योपैथ का ट्रीटमेंट ले रहा था, कुछ कुछ फ़ायदे हुए थे उससे। पर मेरे एक मित्र अनूप कुमार, जो यहाँ एक्यूप्रेशर संस्थान आपका यूपी में इलाहाबाद में आप वो ट्रेनिंग लेकर के गए, तो उन्होंने जब मुझे बताया इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट वो जब दिए, तो उसका फ़ायदा मुझे मिला। लेकिन बेहतर फ़ायदा के लिए उन्होंने मुझे बोला कि आप इलाहाबाद चले जाओ। उनके बोलने के बाद मैं यहाँ इलाहाबाद आया। 25 तारीख को मैं यहाँ आया। उस दिन काफ़ी इचिंग वगैरह था शरीर में, और यहाँ मैं एक्यूप्रेशर का जो पॉइंट यहाँ मैंने सर अग्रवाल सर जी के द्वारा जो लगाया गया मुझे, उससे बहुत राहत मिला और मैं चैन से सो भी पाया। मतलब पहले नींद भी नहीं आती थी इसके टेंशन में, तो 25% नींद में भी फायदे हुए, कब्ज में भी फायदे हुए, और इसमें तो 50% मुझे रैसेस के इचिंग में बहुत फायदे हुए। और मैं आज यहाँ फिर आया हूँ, और कुछ अलग तरह के जो प्रॉब्लम, जैसे ये सर्वाइकल पेन का भी प्रॉब्लम था, उसके लिए आज मैंने सर से बात किया, उनके द्वारा कुछ पॉइंट लगाया गया, तो उससे अभी भी मुझे आराम मिल रहा है। जो दर्द थे मुझे सुबह से, वो कम हुए हैं और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं चाहूँगा कि लोग भी इससे लाभान्वित हों, यहाँ आएँ और मिलें, क्योंकि यहाँ कोई शुल्क नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। रहने की भी बेहतर सुविधा है, उसके कुछ चार्जेज हल्के फुल्के लगते हैं, और मेडिकल वो सारे टीम सुबह शाम देखते हैं। यह देख करके मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ, और मैं चाहूँगा कि लोग और भी लोग इससे लाभान्वित हों। और सर को मैं धन्यवाद भी करूँगा कि उनके द्वारा ये मुझे मिला। जी, तो आप झारखंड से आए हुए हैं यहाँ पे, आपके मित्र ने आपको इसके बारे में बताया। वो यहाँ 8 दिन रह करके ट्रेनिंग भी लिया, यहाँ पे ट्रेनिंग भी अच्छी तरह से दिया जा रहा है। कल मैंने वहाँ जाकर के उस संस्थान में गए, वहाँ जब देखे कॉलेज में गए, वहाँ देखे कि बहुत सारे स्टूडेंट, उनके द्वारा हम लोग को दिखा करके प्रैक्टिकल भी कराया गया ये बीमारी में क्या क्या होता है। बहुत खुशी हुई है देख करके मुझे। जी जी, तो आपकी जो समस्या थी, आपने इसके पहले भी कहीं इलाज कराया था? वो होम्योपैथ से कराया था। होम्योपैथ में दवा मतलब में चलता है इट्रिबुकोनाजोल का, उसका लीवर पे बहुत ज्यादा असर होता है। मैंने 5 दिन वो दवा खाया था, फिर छोड़ दिया मैंने वो। तो आपको ये क्या बीमारी डायग्नोस हुई थी? ये वहाँ पे सोरायसिस बताया गया था। तो आपको इचिंग में बिल्कुल आराम नहीं था? हाँ, इचिंग काफी हो रही थी। होम्योपैथ से जब लिया तो कुछ आराम हुआ। ये सोरायसिस का जो निकलता था डैंड्रफ जैसा, पूरा शरीर से जहाँ भी इसका जख्म था उसको जब इचिंग करते थे तो वहाँ डैंड्रफ जैसा निकलता था पूरे शरीर से। तो इचिंग में आपको आराम नहीं था? यहाँ पे आप 25 तारीख को आए थे। हाँ, 25 तारीख को हम आए थे। 27 फरवरी 2020 है का इचिंग में आराम हो गया। 27 फरवरी 2020 है, आपको इचिंग में 50% का रिलीफ है। जी जी। और क्या आप अपने रेसेस दिखा सकते हैं जो आपके बॉडी पे हैं, किस तरह के हैं? ये रेसेज हैं आपके? जी, इस तरह से थे जी। इस जो रेसेज हैं, इनके कलर में भी कोई चेंज आया है क्या? नहीं, ये कलर रेडनेस लेकर के ही रहता है, व्हाइट ऊपर से व्हाइट जब निकल जाता है तो रेडनेस अंदर से आता है। जी जी। तो रेडनेस के लिए भी उसने, मेरे एक दोस्त ने पॉइंट बताया था कि LI-11 का पॉइंट लगाइए। तो जी सर, तो वो सामने में कम है, पेट वगैरह में भी थे। हाँ, और ये हाथ में भी, इधर हाथ में मुँह रखा है, दोनों हाथ में ये। जी जी, तो इसमें इचिंग थी जी, बहुत इचिंग में बहुत काफी फर्क पड़ा है। बहुत फर्क पड़ा, जो पहले नहीं मिल रहा था। नहीं, पहले नहीं मिल रहा था इचिंग में। ठीक है, तो आप आए थे यहाँ 25 तारीख को। जी सर। और आपको यहाँ उपचार दिया गया, 2 दिन का उपचार चला था। और जो आपको उपचार दिया गया था, आपने सिम्टम्स ये बताए थे। जी, आपने बताया था होल बॉडी स्किन में दाने। जी, नींद नहीं आना और गैस और कब्ज। आना गैस और कब्ज की समस्या आपने बताई थी। जी, इसके अलावा आपको ये ट्रीटमेंट दिया गया। जी, ये 25 तारीख को आपको ट्रीटमेंट दिया गया था। जी, ये सर दूसरे के ट्रीटमेंट है इसको, मतलब जी 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 वो गलत से नोट। तो इसमें आपको जो मेन ट्रीटमेंट दिया गया था, ये बोथ रिंग फिंगर वॉच जॉइंट पे। जी, और यहाँ पे आप रिस्पांस आज आपने नोट कराया 27 तारीख को। ये रिस्पांस मैंने दिया, ये रिस्पांस नोट कराया आपने कि आपको इन सिम्टम्स में कितना आराम है प्रतिशत में। जी हाँ सर। जी, धन्यवाद। थैंक यू सर।